हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे एलएलवी। एलएलबी फर्स्ट ईयर, सेम है हमारा सेकंड, और पेपर है हमारा फर्स्ट फर्स्ट है, जिसको हम ज्यूरिस बोलते हैं, ज्यूरिसप्रूडेंस बोलते हैं, ज्यूरिसप्रूडेंस सेकंड यानी विधि शास्त्र सेकंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात के ऊपर। जब हम अपने पेपरों की तैयारी करते हैं, तब हमें देख पता चलता है कि यार कि जो हम तैयारी कर रहे हैं कि ये वो सही दिशा में जा रहे हैं या हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हमारा जो डायरेक्शन है स्टडी का वो सही है या गलत। तो उसके लिए हम जानकारी के लिए हम परेशान रहते हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि हम प्रेजेंट टाइम में अपनी प्रिपरेशन को कैसे करें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें अपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखने होते हैं। और प्रीवियस ईयर यानी कि हमें 4 से 5 ईयर के, अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं 4 से 5 ईयर के, तो हम उम्मीद करना कि आप 70+ अपना पेपर फंसा लेते हो, क्योंकि जो भी पेपर बनता है प्रीवियस ईयर पेपरों के आधार पर और उन्हीं क्वेश्चनों में से उठा उठा कर बनता है। जैसे अगर हम पिछले 5 साल के पेपरों को उठाएं, तो हमारा ऑल टोटल पेपर हमारे 3 से 4 साल के पेपरों में से ही निकाल के बना दिया जाता है और 100 नंबर का सेट कर देते हैं। और कभी कभार तो ऐसे होता है कि जो हमारा प्रीवियस ईयर का जो हमारा पेपर होता है, जैसे 4 से 5 साल पुराना पेपर है और उसको अगले ही 4-5 साल बाद, मतलब सेम ही के सेम उसी पेपर को हम अपने एग्जाम में ला के रख देते हैं, तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात होती है कि हम अपने प्रीवियस ईयर पेपरों को देखें। और एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी हमने एलएलबी फर्स्ट ईयर के हमने एग्ज़ाम दिए हैं। अब होता क्या है कि एलएलबी फर्स्ट ईयर में जब हमने एग्ज़ाम दिए हैं, तो हमारा 1.5 घंटे का पेपर था, जहाँ पे हमें 5 में से 2 वेरी शॉर्ट करने थे, 3 में से 1 शॉर्ट करना था, 5 लॉन्ग में से 2 लॉन्ग करने थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको 5 के 5 वेरी शॉर्ट करने होंगे, 3 में से 2 शॉर्ट करने होंगे, लॉन्ग 5 में से 3 करने होंगे। अब का पेपर आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि उस समय कोरोना काल था, समय की थोड़ा अभाव था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमें अपनी प्रिपरेशन जो थी डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हम पहले पेपर में करके आ रहे थे उससे अब हमें डबल लिखना है, डबल टाइम है हमारे पास और अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। तो इसलिए मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया हूँ, और चलते हैं अपने प्रीवियस पेपर की तरफ और ध्यान से देखना, इन्हें नोट कर लेना, ठीक है। एलएलबी सेकंड सेम एग्जामिनेशन मई 2017, लॉ फर्स्ट, ज्यूरिसप्रूडेंस सेकंड, टाइम है हमारा 3 आवर्स, कोड है 2001, इसे कहीं पे भी 201 भी लिखा देखते हैं। मिनिमम मार्क्स हैं हमारे 100 इन 100 अंकों का है। सभी खंडों के निर्देशानुसार हल कीजिए। आगे चलते हैं, खंड ए पे यानी जो हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिसके अंदर हमारे सभी 5 प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, यानी 5 × 4 यानी 20 नंबर के होते हैं हमारे 5 क्वेश्चन। पहला है हमारा प्रासंगिक विचार को परिभाषित कीजिए, दूसरा है दीवानी न्यायिक प्रशासन एवं आपराधिक न्याय प्रशासन, दीवानी न्यायिक प्रशासन यानी आपराधिक न्याय प्रशासन यानी दीवानी और फौजदारी, प्रतिनिधिक दायित्व है 3rd नंबर का क्वेश्चन है, 4th है पर वस्तु में अधिकार, 5th है कब्जे का ग्रहण। अब हम बात करते हैं खंड अपने अगले की, जो हमारे शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जिन्हें हम लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, जो हमारे 3 में से 2 करने को आएंगे और प्रत्येक हमारा 10 का होगा, 10 × 2 यानी 20 नंबर के ये होते हैं। निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है यानी प्रत्येक 10 का है, 10 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 20 यानी हमें 2 क्वेश्चन करने हैं 10-20 नंबर के, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चनों को देखते हैं। फर्स्ट
फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें विधिक वो विधि और नैतिकता के बीच संबंधों की विवेचना कीजिए। आगे है स्वामित्व के प्रकारों की विवेचना कीजिए, स्वामित्व कितने प्रकार का होता है। आगे चलते हैं, राज्य शब्द को परिभाषित कीजिए, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या हैं। ये था हमारा शॉर्ट का लास्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं खंड से पे, जो हमारा लॉन्ग यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 6। आगे चलते हैं, निम्नलिखित 5 में से 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है, यानी 20 × 3 यानी हमारे 60 नंबर के ये हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, 3 करने हैं हमको। पहला क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग, दंड के विभिन्न सिद्धांत क्या हैं। दंड के विभिन्न सिद्धांत क्या हैं, भारतीय समाज के लिए कौन सा सिद्धांत उपयुक्त है। विधिक व्यक्तित्व और कुछ नहीं केवल एक कल्पना मात्र है, विधिक व्यक्तित्व कुछ नहीं और कुछ नहीं केवल एक कल्पना मात्र है, व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, न्यायिक पूर्व निर्णय क्या है, विधि के विकास में न्यायिक पूर्व निर्णयों के योगदान का मूल्यांकन करें। आगे चलते हैं, आधिपत्य के लिए न तो मानसिक इच्छा और न ही भौतिक अधिकार पर्याप्त है, आधिपत्य का आरंभ ही दोनों के योग से होता है तथा तब समाप्त होता है जब या तो एक अथवा दोनों अदृश्य हो जाते हैं, विवेचना कीजिए। यह है हमारा फोर्थ क्वेश्चन लॉन्ग का। एक क्वेश्चन और है, उसे देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विधिक अधिकार का अर्थ वे महत्व बताइए, विधिक अधिकार के क्या क्या प्रकार हैं, विवेचना कीजिए। ये था हमारा प्रीवियस ईयर पेपर 2017 का, 2017 का प्रीवियस पेपर था, ज्यूरिस सेकंड का था। उम्मीद करता हूँ यह आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। और आपसे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे अंक लाना चाहते हैं, आप अपने क्लास में अपने कॉलेज को टॉप करना चाहते हैं या अपने लॉ फील्ड में कुछ आगे बेहतर करना चाहते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर पेपरों को पढ़ो। क्योंकि हम जब प्रीवियस ईयर पेपरों को पढ़ते हैं तो हमें पेपर सेट करने का तरीका मिलता है, हमारी जो मानसिक ग्रोथ है वो डेवलप होती है और हम अच्छे से अपने पेपर को कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपके लिए प्रीवियस ईयर का ये जो पेपर कराया है आपकी समझ में आ गया होगा और इससे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, देख लेना। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ रहे होंगे मेरी बातों को। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को दबा लो, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो आएगी आपको तुरंत पता चल जाएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।